हम लोग वोट तो देते हैं तो वोटवा कहाँ जाता है? तोड़ने का बोला है, अभी तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग को कहीं जगह दे उसके बाद तोड़ ले। कल नोटिस आया था, बोला कि खाली करो। कैसे खाली करेंगे, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग है, जो रेलवे बनाया हम लोग का पुरखा बनाया है। नोटिस पे गुजारना उचित नहीं है, अभी पूजा का समय है। दादा परदादा लोग जब रेलवे लाइन बन रहा था, पुल बन रहा था, उस समय यहाँ बाहर से आकर इसमें काम किए रेलवे के लिए। रांची में कडरू ओवर ब्रिज के पास जुगा झोपड़ी हटाने पहुँचे रेलवे की टीम को स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। मौके पर सांसद, विधायक और राजनेता भी पहुँचे। सांसद संजय सेठ, महुआ मांझी, विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने का सबने विरोध किया, कहा कि पहले बसाइए फिर उजाड़िए है। देखिए रेलवे जहाँ पे आज इन लोगों को नोटिस दिया गया है, कल नोटिस मिला है, आज यहाँ रेलवे की फोर्स और बाकी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है, और ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये आज से नहीं रह रहे, ये करीब 50-60 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, और इनको बगैर कहीं पे रिहैबिलिटेट किए बगैर इनको हटाना जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगा, और जो नेचुरल जस्टिस से भी इनको वंचित किया जा रहा है कि कल नोटिस मिला आज यहाँ तोड़ने के लिए पहुँच गए। और मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ सारे समाज के लोग भी खड़े हैं, और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जब तक इन लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना की जाए तब तक इनको ना हटाया जाए। देखिए अभी तो लोगों के साथ बात कर गई, अभी यहाँ पे देखिए हम लोग लोगों के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं, लेकिन डेवलपमेंट विरोधी भी नहीं है। अगर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई योजना है सरकार की तो वो ज़मीन पर उतरनी चाहिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो यहाँ बरसों बरस से रहते आए हैं, उनके कॉस्ट पर नहीं। उनको कहीं ना कहीं इतनी सरकारी योजनाएं हैं, इतनी आवास योजनाएं अभी जो तैयार हो रही है उसमें पहले इन गरीबों को शिफ्ट करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए। अभी दुर्गा पूजा का समय, कल से महालया शुरू है, परसों से नवरात्र शुरू है, और एक दिन के नोटिस पे उजाड़ना उचित नहीं है। अभी पूजा का समय है, अभी माँ आने वाली है, माँ की स्तुति, माँ की आराधना करेंगे। दो साल से कोरोना के इस पीरियड के अंदर दुर्गा पूजा नहीं मना पाए, तो हम आश्वस्त करें, कोर्ट का सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता भी है कि पूजा के समय नहीं, बरसात का भी दिन है, कहाँ जाएंगे लोग। और दूसरी ओर किसी भी कीमत पर झोपड़पट्टी उखड़ने नहीं देंगे, क्योंकि पहले बसाएंगे और फिर उजाड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहना है, पहले बसाओ फिर उजाड़ो, हम विकास में बाधक नहीं बनेंगे। रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का 487 करोड़ रुपए हम लेके आए, उसका सब कुछ हमने किया, हम देखेंगे, वार्ता करेंगे, हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, दुर्गा पूजा के बाद बैठकर निर्णय लेंगे, इनको कहीं बसाएंगे और उसके बाद ही काम शुरू होगा। है यहाँ पर रेलवे की तरफ से तोड़ने का आदेश हुआ है इनकी बस्ती को, और ये इनका कहना है कि इनके दादा परदादा लोग जब रेलवे लाइन बन रहा था, पुल बन रहा था, उस समय यहाँ बाहर से आकर इसमें काम किए, रेलवे के लिए काम किए, तभी वो लोग यहाँ बसे। तो इतने दिनों तक जब रेलवे ने उनको नहीं उजाड़ा, उस समय बोलते तो शायद नहीं और ये लोग बस जाते, लेकिन वो नहीं उजाड़े और उस समय इनको रहने दिया गया। और अब जब इनके बाल बच्चे इसमें रहते रहते कई पुरखों से रह रहे हैं ये, और इसमें छोटी छोटी बच्चियां हैं, जवान लड़कियां हैं, और ये लोग नौकरी करके अपना घर पालती हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, बीमारी में अपने बुज़ुर्गों का ट्रीटमेंट करती हैं, शादी ब्याह यहीं से करती हैं, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? कल नोटिस आया, आज घर उजाड़ने आ गए। हम लोग मनी कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन रेलवे को इसमें हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ऐसे भी जब तक किसी को बसाया नहीं जाए, नहीं उजाड़ने का हक किसी को नहीं है। तो हम लोग यही अपील करने आए हैं कि इनको, इनकी मजबूरियों को देखा जाए। ये सभी लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी आप जानते हैं कि शहर में मजदूर मिलना या काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से लोगों का आना संभव नहीं होता है, इतनी दूर आके काम नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग यहाँ के लिए भी, हमारे रांची शहर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जो यहाँ काम करते हैं दुकानों में, घरों में, हर जगह। तो इनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, जिला प्रशासन को भी सोचना होगा और रेलवे को भी सोचना होगा कि कैसे इनको घर के आसपास कहीं बसाया जाए, तब तोड़ा जाए। और यहाँ जितना ज़मीन उजाड़ने की बात हुई है, जितनी ज़मीन, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें ये तो लगता है, जैसे कि अगर आप चंद्र दीदी कह रहे हैं, तो तीन चार घर को भी अगर तोड़ा जाए तो शायद उनका काम बन जाए, तो उन 3-4 लोगों को कहीं बसा दिया जाए, सबको ना उजाड़ा जाए। कल ही शाम में दिया था। और क्या कुछ किया गया? कुछ नहीं किया है, तोड़ने का बोला है, अभी तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग को कहीं जगह दे उसके बाद तोड़ ले। कल भी
कल नोटिस आया था, बोला कि कल तक ले उठा देंगे, ये सब बोला। तोड़ा जा रहा है, अभी आपको पता है? रेरवरी का जमीन है, इसीलिए तोड़ा जा रहा है। हम लोग को कल शाम को नोटिस दिया गया है, और शाम ही को नोटिस देने के बाद बोलता है कि अभी हम लोग को खाली करो। कैसे खाली करेंगे, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग है, आप फैमिली में रहते हैं, इतना इतना सारा सामान है, कहाँ देंगे, कहाँ रखेंगे? हम लोग इतना वोट देते, जिसको वोट देंगे उसी का भरोसा न रहेंगे। ठीक है, हटाना है हटाइए, पर हम लोग को कहीं पर छत्र छाया दीजिए तभी ना हटाइएगा। वोट लेने के लिए आती है, अभी हम लोग जिनको वोट देते हैं, नेता है, उन्हीं का भरोसा रहेंगे, हम लोग उन्हीं का बदलत में करेंगे, क्या करेंगे? आगे हम लोग चाहते हैं हम लोग को छत्र छाया मिले, बस हम लोग को घर मिले फिर घर टूटे, हम लोग का घर बस बचे। हम लोग वोट तो देते हैं तो वोटवा कहाँ जाता है? वोट हम लोग देते हैं ना, ऐसे तो हम लोग नहीं है। जब हम लोग ऐसे तो दो दिन आके ना, हम लोग का पूरा प्रूफ है, हम लोग वोट देते हैं। हम लोग यहाँ, हम लोग का पुरखा यहाँ, इस जो रेलवे बनाया है, हम लोग का पुरखा बनाया है, तो हम लोग को नौकरी का ही नहीं दिया रेलवे। जब हम लोग का पुरखा जो था, दादा परदादा यहीं सब दफना गए, और उसके बाल बच्चा को तो नहीं, हम लोग सोच रहे थे हम लोग का जमीन ही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? हम लोग का घर है ना, घाट है, रोज कमाते हैं रेजा कुली करके, आदमी सब आता है रिक्शा उक्शा चला के, तो खाते हैं, तो कहाँ से हम लोग जमीन जगह कहाँ से लाएंगे लेंगे? क्या हम लोग का कोई जमीन है कि घर बना लिए हैं चल जाए उठा के? हम लोग को खाली चाहिए घर, कहीं दे दें स्थान, फार्म भरिए, जमीन मिलेगा घर बनाएंगे करके, तो वो भी दब गया, फार्म भी जमा किए पार्षद के पास में, वो भी दब गया, वो भी नहीं दिया, तो कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।